साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले थे एक नई मंजिल के लिए, यहां से चले थे एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है मेरे यार, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। आपको पता है कि इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा की तो बात नहीं करेंगे, बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। सभी कक्षा के लिए, सभी बच्चों के लिए है, तो सभी आ गए। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बिना रुके, बिना टाइम कमाए। पार्ट 10 है आपका, सीरीज चल रही थी कि मैथ आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल दौड़ेगी, सिर्फ दौड़ेगी ही नहीं, सरपट दौड़ेगी। क्लास को पूरा एंड तक देखना, अगर मैथ सीखना है तो बीच में छोड़ के मत जाना, अगर जाना है तो अभी तुरंत चले जाओ, फालतू का डिस्टर्ब नहीं करना भाई, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 9 में पढ़ा था बोर्ड मास का रूल, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एकदम शुरू किया था बोर्ड मास रूल, लेकिन आज हम शुरू नहीं करेंगे, आज खत्म करेंगे। आज क्वेश्चन का लेवल उससे थोड़ा ऊपर है। अगर आपने 9 पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ऊपर आई बटन में, आप उसे देख लेना, नहीं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर संपर्क करना, आपको मिलेगा। चलिए, तो साथियों जैसा कि एक बार हम पहले से पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास रूल ये ऐसे ही इसकी स्पेलिंग होती है, और यहाँ पर इसका हर एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है, जो कि मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा, हाँ लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो, बी मतलब होता ब्रेकट, वो मतलब ऑर्डर, या कुछ लोग अदर भी बोलते हैं, जैसे ओ का कंफ्यूजन करता है, जैसे कोई अंडर रूट में है मान लो कोई नंबर, या कुछ भी, या मान लो स्क्वायर में है, हाँ, या साइन कास है, मतलब ये जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ भी अगर अन्य टर्म दिए गए हैं तो उन्हीं को ऑर्डर या फिर अदर में लेते हैं। अब बी का मतलब ब्रेकट आप जान ही रहे हो, ये ब्रेकट 4 प्रकार के होते हैं, बड़का हो गया, मझला हो गया, छोटा हो गया। ये इसका मतलब क्या है, ये सीरियल से हल किए जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स आते हैं, क्योंकि जो बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं उसमें ढेर सारे हमें एक प्रकार से बात करें तो कैलकुलेशन एक साथ करने होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे भाग भी करना है, घटाना भी है, जोड़ना भी है, सब एक साथ होता है, तो इसमें एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले ब्रेकट हल करोगे, उसके बाद आप अदर जो भी इसमें दिए गए हैं टर्म्स उनको पकड़ोगे, और फिर डिवीजन यानी भाग करोगे, मल्टीपल एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन सीरियल से करते हैं। चलिए, पिछली क्लास अगर आपने देखा तो आप समझ गए होंगे। तो भैया, यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसमें ब्रेकट तो है, दूसरा बात अगर बात करें अदर वाला, तो अदर का इसमें कुछ नहीं है, ना तो कहीं स्क्वायर है, ना कहीं वर्गमूल है, ना कहीं साइन कास्ट है, कहीं कुछ भी नहीं है, यानी वो वाला तो कुछ है नहीं। डिवीजन की बात करें तो इसमें डिवीजन वाले पद भी दिए गए हैं, तो ठीक है, हम ब्रेकट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ब्रेकट दिया होता है तो हम सबसे छोटा कोष्ठक पहले हल करते हैं, तो सबसे छोटा कोष्ठक तक हम पहुँचेंगे, उसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। ये देखो, यहाँ तक मैंने वैसे उतार लिया जैसे लिखा था, इसमें किसी को कोई समस्या होगी तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इनको क्या करेंगे भाई साहब, बाबू इनको घटा लोगे आप, तो 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, हम सबको पता है, बीच में प्लस था तो प्लस, और 24 से 12 जाएगा तो ये 12 बचेगा, ये हम सबको अच्छे से पता है। और ये कोष्ठक, इसमें बड़ा कोष्ठक कहीं नहीं था, ठीक है, यही पेंड। देखो बहुत आसान है, वेरी सिंपल सा है, कितना छोटा हो गया ना एक बार में, लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है क्या, नहीं गलत नहीं हो रहा है, बीच में प्लस का साइन था मैंने लगा दिया। अब अगली लाइन में ये 1800 डिवाइड बाई, देखो ये 10, उसके बाद अब ये कोष्ठक हल होगा। आप सभी जानते हैं कि प्लस प्लस दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 12 6 18, मतलब 12 6 18 हो जाएगा। तो भैया हो, इसके बीच में 10 और ब्रेकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम इस पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और ये 18 बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई आपत्ति है तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, ये 1800 डिवाइड बाई, देखो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो जाएगा आप कहोगे, देखो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ ये हो जाएगा कि अब हम अगर चले बोर्ड मास रूल में तो ये कहता है पहले डिवीजन करोगे फिर मल्टीपल करोगे, मतलब भाग पहले करोगे गुणा बाद में, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था, भाग कर लेते गुणा कर लेते 18 का 10 में 180 आ जाता, इसको भाग दे देते और बड़ा प्यार से 10 आ जाता, लेकिन वो गलत हो जाएगा, फिर बोर्ड मास का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इस तरह से।
तो हमें अप्लाई करेंगे तो पहले इसको भाग करेंगे। तो भैया इसको भाग कर लो बबुआ, इसको भाग करोगे आप तो कितना आएगा, आपको पता है अगर इसको 10 से भाग करेंगे हम, भाग करके आप लोग देख लो एक बार जरा, भाग कर लो तो कितना आएगा, हमें लगता है 180 आएगा, और 180 का 18 में गुणा करोगे, क्यों? बात समझ में आई? ये मैंने भाग किया भाई साहब ये, अरे ऐसे कर लो ना यार, 1800 है, इसको 10 से भाग करना है, एक एक शून्य काट दो, 180 आ गया। आपको पता है 18 का वर्ग, सबको पता है ना कि नहीं पता है? हर किसी को पता है, मैंने याद करवाया था वर्ग, तो 18 का जो वर्ग होता है बच्चा 324 होता है बाबू, होता है ना, होता है 18 का वर्ग 324, कहने का मतलब 18 का 18 में गुणा किया 324 और ये जीरो उतार लिया, इस तरह से आपका आंसर हो गया 3240। लिख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी क्लास को पूरा देखना, जाना नहीं, खबरदार अगर चले गए ना गड़बड़ हो जाएगा सब। वीडियो को मैं बहुत देर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रोज रोज टाइम दिखाऊँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरा मन करता दिखाने का। अगर आप लोगों को दिख रहा हो ऐसे बहुत दूर होगा तो देख लो इसमें कितना बज रहा है, और ये दिन में नहीं रात में बज रहा है, काफी शांति है इस समय माहौल। हाँ समझ रहे हो ना, बहुत मजा आता रात में जब शांति होती तो। लेकिन हाँ अगर उसी उद्देश्य से आप लोग पढ़ो तब तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल हो सके। चलो इसको मिटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी इसको छाप लिए होंगे तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ अपने गुरुजी की तरह, कि नीचे वाले बच्चे लिखते रहे, ऊपर का मैंने क्वेश्चन अभी सिर्फ मिटाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसको भी लिख लेना आप सभी, 1/2। कुछ लोग सोचेंगे कि जो बोर्ड मास का रूल पीछे पढ़ाया था वही सब है, अरे बच्चा वो नहीं है, क्वेश्चन सब बदले हैं, इसको तुम मत भूलो। चलो माइनस का टू, और ये है 1+2। ओके ओके, कोष्टक लगा के और इंटू का 10 कर दो भाई साहब, अबे उधर जाया कहे कोष्टक की। चलो पार्ट 10 मिटा दो, इसको बंद कर दो, और ये 10, और इसको भी बंद कर दो, ये हो गया क्वेश्चन। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, कितना आएगा फटाफट ट्राई कर लो सभी बच्चे, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए जल्दी करिए, देखिए जो भी प्रश्न आपके सामने आए एक बार कोशिश जरूर करो, कोशिश जरूर करो, बिल्कुल हार नहीं मानना, ठीक ना? जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। आइए फिर हम लोग भी फॉलो करते हैं। देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ब्रेकट हल करते हैं, ब्रेकट में भी सीक्वेंस से करते हैं, जैसे कि पहले सबसे छोटा ब्रेकट, अगर छोटा से भी छोटा है रेखा कोष्टक तो सबसे पहले रेखा कोष्टक करते हैं, दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक, तीसरे पे मझला, चौथे पे बड़का कोष्टक। चार प्रकार के कोष्टक होते हैं, अभी मैंने बनाया था आप उसे समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा, इसमें दिया है बबुआ हमें कौन कौन से कोष्टक दिए हैं, छोटका वाला दिया है, तो हम छोटका कोष्टक तक आगे बढ़ेंगे। ये लो ऐसे माइनस कर दो, और यहाँ पे ध्यान दो तो 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और बीच में कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा ये ऐसे, हाँ, और ये 10, ठीक है। हाँ इसे ऐसे बंद कर लो, बस हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने क्या किया कुछ समझ में आया, हमने सिर्फ इतना किया है जितना अंडरलाइन किया, ये मतलब 2 को 1 में जोड़ दिया बस, क्योंकि कहता है जो बोर्ड मास का रूल, मैंने वही किया कि बच्चा इसमें एक काम करना है, वो क्या करना है कि जो छोटा कोष्टक था उसके अंदर जो भी हमें हल करना था उसको मैंने कर दिया। अब ये मझला कोष्टक पकड़ेंगे 1/2, और ये ठीक है, इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चा ये -2 का इसमें गुणा करोगे तो -6 आ जाएगा बबुआ, -6 इतना हो जाएगा कोष्टक के अंदर वाले में ना, लेकिन बाहर से 10 है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, अगर नहीं लगा मतलब गुणा का चिन्ह है, तो हम ये मानेंगे कि ये -6 गुणा का 10 ये बन जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, इतने में किसी को कोई आफत नहीं हो रही है ना, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है बचवा। चलो अब इनका अंदर में गुणा करोगे तो हमें पता है कि 10 छंग 60 हो जाएगा, -60, इसको छोटा कोष्टक में मजबूरी में लिख दिया जाएगा, क्योंकि अगर चिन्ह माइनस लगा होता तो ऐसा लिखा जाता है, नहीं तो एक काम करते हैं कुछ भी नहीं करो इसको, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि बोर्ड मास का रूल चल रहा है तो कोष्ठक फिर से लगाना ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
ये माइनस का 60, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल में माइनस का 30 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कटेगा, हमें पता है कि जब बच्चा ऐसे होगा, ये ऐसे होगा जब ऐसे, तो क्या करोगे, ये 30 नहीं आएगा, ये हो गया और माइनस का चिन्ह था इस वजह से माइनस हो गया। तो इसे लिख लो, छाप लो आप सभी, अगर कोई परेशानी है तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो बार बार नहीं बोला जाता है कि क्लास को पूरा देखना, अभी 2 ही सवाल हुआ है। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखो ज़्यादा टाइम हम नहीं बिताएंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन करवाने हैं, और ये वीडियो काफ़ी मुझे लग रहा है लंबा हो चुका भाई, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो। तो चलो 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 और ले लो फटाफट, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इस वजह से टाइम लग सकता है। अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट, 6 प्लस, अभी सामने से हट जाऊंगा, छाप लेना बच्चा जो हैरान परेशान है, 16 माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 2 का घात 2 और प्लस 2, ठीक है ये 2 है याद रखना, और ये बंद हो गया और ये माइनस का 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे बच्चे, -6 इसका आंसर आएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन लिख लो, 96 डिवाइड बाई 12, चलो फटाफट नोट करते चलो, 12, इसको सब हल करना, देखो ये मत सोचो कि हम कहाँ से लिख रहे हैं कैसे ला रहे हैं, बस आपको समझ में आए आप अभ्यास करो, क्वेश्चन बनाने से बनते हैं, अपने से नहीं बनते हैं। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना देते हैं क्लास में, वो क्वेश्चन बड़े कठिन हो जाते हैं। इसका आंसर आएगा 148। चलो जल्दी से करो सभी बच्चे फटाफट, और बताना मुझे, हाँ कर लोगे ना। देखो सामने से जो थोड़ा सा इधर कट हो रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस देखते रहना। ओके चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, जूम था, चलिए लिख लीजिए जल्दी से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, हो गया। तो आप लोग इनको ट्राई करना, क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो इसलिए मजबूरी में मुझे छोटी क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपको, शुक्रिया। नीचे देखो नंबर चल रहा है भैया, संपर्क करना। अगर आप पूरी क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम क्लास ले सकते हैं, प्रीमियम क्लास में आपको ये बड़ी बड़ी क्लासें मिल जाएंगी इकट्ठा, और आप जल्दी से जल्दी घर बैठे सीख जाओगे। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह से पढ़ना कि आप इस क्लास को एक एक घंटे दो दो घंटे पढ़ो, मतलब ढेर सारे टॉपिक एक ही दिन में क्लियर कर लो, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करिए, नीचे नंबर चल रहे हैं उनको नोट करिए। जय हिंद।